वुमेन्स डे स्पेशल। स्त्री क्या है, स्त्री को क्या चाहिए, उन्हें हम कैसे खुश रख सकते हैं और उन्हें हम सम्मान कैसे दे सकते हैं। आज के समाज में एक स्त्री की स्थिति पूर्ण रूप से उन्हीं के सोच पर ही निर्भर करती है। एक तरफ तो ये स्त्री दिल्ली के एक सुनसान इलाके में देर रात चंद दरिंदों के हवस का शिकार बन जाती है, और वहीं दूसरी तरफ अमृतसर में पली बढ़ी किरण बेदी नाम की बेटी उन्हीं दरिंदों की खाल खींचते नजर आती है। अगर वो भी अपने आप को अवला नारी मान ले तो क्या एक चार दीवारी के भीतर अपनी सासू माँ के अत्याचार सहते सहते दम तोड़ जाती है, और अगर वह खुद को एक सबल नारी माने तो जापान में भीषण भूकंप में अपनी जान देते हुए अपने बच्चों को एक नया जीवन दे जाती है। नारी का रूप अनेक है, कभी माँ, कभी बहन, कभी पत्नी, कभी बेटी, हर रूप में समर्पण है। और आप उन्हें खुश रखने के लिए क्या करते हैं, क्या उन्हें सम्मान देते हैं? तो आप कहते हैं हाँ, उन्हें सबके सामने सम्मान देते हैं, उनके जन्मदिवस पर या उनके विवाह की वर्षगांठ पर उन्हें तोहफा देते हैं आदि इत्यादि, किंतु ये पर्याप्त है? सोचिए, एक स्त्री अपने पति के लिए, अपने पिता के लिए, अपने भाई के लिए, अपने पुत्र के लिए क्या नहीं करती, उन्हें खुश रखने के लिए हर वो प्रयत्न करती है, और हम क्या उन्हें एक भेंट देकर उन्हें संतुष्ट कर सकते हैं? स्त्री को स्वर्ण आभूषण, महंगे गिफ्ट या कपड़े नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए सम्मान, वो भी सबके सामने, एकांत में भी। उन्हें चाहिए आपका समय, आपका समर्पण, थोड़ा सा प्रयास उन्हें बता पाए कि आपके जीवन में उनका स्थान बराबरी का है। एक तरफ कहते हैं कि स्त्री को समझना मुश्किल है, उनके मन में क्या चल रहा है ये कोई नहीं जानता, वो बोलती कुछ और है, करती कुछ और है, मगर ऐसा नहीं है। ये तो उन लोगों के विचार हैं जो स्त्री के बारे में गलत सोचते हैं, और कई पुरुष ऐसे हैं जो वो सोचते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। जैसे कहने को तो स्त्री को देवी मानते हैं, माता मानते हैं, अपनी बहन मानते हैं, मगर दूसरी तरफ ही उन्हें अपने पैरों की धूल समझते हैं, उनके मान को भंग करते हैं, उन्हें भला बुरा बोलते हैं। जहाँ नारी की पूजा होती है वहीं ईश्वर वास करते हैं, जहाँ नारी का अपमान होता है वहाँ ईश्वर और भाग्य दोनों रुष्ट हो जाते हैं। याद रखिए, यदि नारी कल्याणी है तो नारी महाचंडी भी बन सकती है, यदि नारी माता बनकर जन्म दे सकती है तो नारी मृत्यु बनकर विनाश भी कर सकती है। जहाँ नारी का अपमान होगा वहाँ महान भारत भी महाभारत की ओर जा सकता है। स्मरण रखिए, नारी का अपमान कदापि नहीं हो सकता, और यदि नारी का अपमान हुआ तो आपका विनाश आपकी ओर निकट आ रहा है, और इसके पहले का कदम आपकी ओर आहट है।